हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो, बिल्कुल सेफ हो गए। भाई सामने से इतनी तगड़ी लाइट आ रही है ना कि मतलब आप लोग खुद मेरे चेहरे पे समझ पा रहे होगे। और इतनी तगड़ी लाइट किस बाइक की हो सकती है, गैस करो। थंबनेल देख के तो भाई गैस कर चुके होगे ना आप लोग। तो ये है आप सबकी चहेती हमारी प्यारी पल्सर N160 और इसका कंपेयर होने वाला है KTM की नई ड्यूक 390 के साथ, जिसका प्राइस है 3,70,000 और ये हमने खरीदी थी अपनी 1,54,000 में, आधे प्राइस में। अब देखते हैं इसकी हेडलाइट ड्यूक 390 को टक्कर दे पाती है कि नहीं, या उससे आगे निकलती है, तो ये सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो, वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर नहीं करते हो यार आप लोग, यूट्यूब भूल चुका है शेयर करना, तो आप ही लोग करो ना यार। आप लोग कब करोगे भाई, थोड़ा सा छोटे चैनल को भी आगे बढ़ाओ जो ऑनेस्टी और मेहनत के साथ कंटेंट बनाते हैं, और अलग अलग, एक ही कंटेंट नहीं, अलग अलग तरीके के कंटेंट बनाते हैं। तो भाई आप सपोर्ट कर सकते हो, सो प्लीज़ सपोर्ट करो। हमारा दूसरा चैनल भी है टेक बाइकर, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, टेक बाइकर ब्लॉग उसको भी सब्सक्राइब कर लो। अब हम चलते हैं पीछे और हेडलाइट टेस्ट को करते हैं स्टार्ट। सो भाई ये नहीं, दो सुंदर सी बाइक है और दोनों के DRL जल रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ आपको DRL भी चेक करा ही दूँ कि किसके DRL ज़्यादा ब्राइट है। उससे पहले एक थोड़ा सा वॉक अराउंड दे दूँ रात में कि आप लोग को बताओ कमेंट करके, इसमें आपको बताना कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये है कुछ N160 की टेल लाइट और ये है ड्यूक 390 की टेल लाइट। अब हम N160 को करते हैं बंद और ड्यूक को करते हैं ऑन। अभी जो आप DRL देख पा रहे हो, ये ड्यूक 390 के DRL हैं। बाइक को थोड़ा सा स्ट्रेट करते हैं हम लोग, बाइक हो चुकी है स्ट्रेट। आप लोग इसकी क्वालिटी देख सकते हो कि जलने में कितना ज़्यादा ब्राइट है, आप लोग गैस कर चुके होंगे। अब हम इसको कर देते हैं बंद, अब करते हैं N160 को ऑन। आप लोग अब कमेंट करके बताओ। और ये हो गई N160 ऑन, और एक खासियत है ऑन पे इसका कुछ नहीं होने वाला, इसको करना पड़ेगा स्टार्ट। अभी हो चुकी है स्टार्ट और आप लोग खुद ही बताओ किसके DRL ज़्यादा ब्राइट हैं। भाई ड्यूक 390 के ऑनर हैं, उनसे पूछते हैं भाई क्या लगता है किसके ज़्यादा ब्राइट हैं, बता दो भाई किसके ज़्यादा ब्राइट है DRL। ये ठीक है, अब आप देख लो, भाई से भी पूछ लेते भाई ये ऑनर है। हाँ इसके देखे आपने, ठीक इसको करते हैं बंद, उसको कर दो आप ऑन। अभी इस पर पन्नी भी लगी है, यहाँ से बाइक को आप कर दो स्टार्ट। N160 के ब्राइट हैं, तो भाई देखो ऑनर ने बोल दिया N160 के ब्राइट हैं। अब इसकी लो बीम ऑन करते हैं, इसकी एक खासियत है बिना स्टार्ट की लाइट नहीं जलती, ये भी हाई बीम है। अब इसकी लो बीम हो चुकी है ऑन, सेंटर में बाइक खड़ी है, पूरा आप एंगल ले लो, देख लो कितनी ज़्यादा ब्राइट है। और एक चीज़, पूरी रोड विजिबल है, कहीं भी कोई ब्लैक लाइन कुछ भी नहीं है दोनों साइड, यह आप लोगों ने देख लिया। लो बीम है, पूरे अच्छे से देख लो। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, वीडियो में थोड़ी सी ज़्यादा ये ब्राइट दिखती है, रियल में इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, और अपने अपने फ़ोन के ऊपर भी हो सकता है। अब इसको करते हैं हाई बीम पे, ये हाई बीम है, सामने कुछ लोग खड़े हैं, आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे। आप लोग देखो लो बीम हाई बीम, हैंडल घुमा के भी दिखा देता हूँ आपको अच्छे से मैं। ये देखो पूरा अच्छे से मैंने आपको दिखा दिया, और अब लो बीम पे भी हैंडल घुमा के दिखा देता हूँ, ये देखो आप लोग। तो मान के चलो पूरे ही रोड ये अच्छे से कवर कर चुकी है। अब इसको कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा बंद, ये हो गई बंद। अब चलते हैं नई नवेली 3,70,000 की बाइक पे, और इस पे बैठ जाते हैं भाई, सेंटर स्टैंड नहीं आता इन सब बाइकों में, कितनी बार बताऊं मैं आप लोग को। और अब इसको करना होगा हमें यहाँ से ऑन, और इसको भी करना पड़ेगा स्टार्ट। इसमें लाइट ऑन ऑफ का स्विच नहीं आता, हमारी N160 में लाइट ऑन ऑफ का स्विच भी आता है भाई, तो बैटरी बचाएगा और ये कुछ टाइम बाद पता चलेगा जब ये बाइकें पुरानी होंगी। तो भाई इसकी लाइट भी बड़ी अच्छी है, बट आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, कुछ अंतर दिख रहा है आपको इसकी हेडलाइट में? भाई आपको एक लाइन दिख रही होंगी, ये सब हल्की हल्की ब्लैक सी कहीं कहीं पे, उसकी लाइट पूरी वाइट थी, बट इसकी भी लाइट ब्राइट है, नो डाउट अच्छी लाइट है इसकी भी। इसका फोकस कुछ ऐसा है जैसे कि मतलब दिख रहा है कि हाँ सब दिख रहा है, लेकिन एकदम क्लियर नहीं है, एकदम एक बार में पूरा चमकता हुआ नहीं है उसका, इसमें बीच बीच में तो लाइनें आ रही है। हाँ विजिबिलिटी थोड़ा सा चलाने में कभी कभार जिनको आदत नहीं होगी उनको अजीब लग सकता है, लेकिन लाइट है अच्छी, नो डाउट लाइट बुरी नहीं है भाई। ओके, कि दिखेगा। हाँ मतलब वही है,
बाकी एमटी वगैरह से तो अच्छा ही है। ये देखिए आप लोग, अब करते हैं हाई बीम ऑन, और ये हो गई हाई बीम ऑन। हाई बीम बड़ी अच्छी है लेकिन इसकी, पूरा वो पेड़ वगैरह देखो एकदम अच्छे से दिख रहा है। और हाँ नहीं अभी रुक जाओ, पहले थोड़ा सा हैंडल घुमा दूँ मैं, चल लोगों को हैंडल वगैरह घुमा के दिखा दिया जाए। भाई थोड़ा सा महिलाएं आ रही हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और अब उसको ऑन कर दो, अब मजा आएगी। अरे भाई क्या लगता है किसकी ब्राइट है? N160 की लाइट बंद कर दो पहले, इसमें जो कमी है वो ये पूरी कर रही है। हाँ हाई बीम करो, इसका हाई बीम अभी जो कमी ऑन है, इसकी हाई बीम ऑन है, ठीक है। अब देखना ये देखो, उसमें देख लो, इसमें देख लो, ये देखो इतना फर्क है। अभी हैंडल सीधा करो, हल्का सा टेढ़ा है उसका। हाँ अब सही किया, अब देखो ऑन ऑफ करो लाइट उसकी, देखा अब इसको मैंने बंद कर दिया, अब उसकी उसको ऑन कर दो हाई बीम। और अब इसको करते हैं, उतना अंतर नहीं आ रहा लेकिन आ रहा है वो तो। चलो लाइट के ऊपर लाइट पड़ेगी, बाकी उसकी मेन लाइट बंद कर दो, केवल लाइट, केवल लाइट, उसकी लाइट बंद हो गई। अब लाइट ऑन कर दो, केवल है ब्राइट, इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा एक बार इसको किया हमने बंद, ड्यूक को, उसमें देखो जो मैं ब्लैकपन बता रहा था वो ब्लैकपन खत्म है, लाइट इस क्लियर दिख रहा है जो दिख। हाँ क्लियर देखो एकदम क्लियर, अभी ये केवल N160 की लाइट जल रही है। अब हम इस पे करते हैं ड्यूक 390 की लाइट को ऑन, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी देखना। तो देखो लाइट अच्छी है दोनों की, लेकिन कंपेयर करेंगे तो मुझे जो लगता है, क्या लगता है भाई आपको, थोड़ी सी ज्यादा बेटर, बहुत वैसा वाला सीन नहीं कि जमीन आसमान का कुछ अंतर आ गया, थोड़ा 19-20 वाला है, लेकिन बस यही है ना कि कम प्राइस में अच्छा निकल जा रही है। वो भी एक प्रोजेक्टर लाइट से इतना उम्मीद नहीं थी। हाँ R15 की और MT की भी इससे कम है, है बहुत कम है, वो तो ड्यूक के भी टक्कर की नहीं है, एकदम हाई, एकदम है एकदम। अभी एक बार और फिर से आपको अच्छे से टेस्ट करा देता हूँ मैं, पूरा इस वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा भाई। आप इसकी लाइट देखो, आप लोगों ने पूरी देख ली इसकी हेडलाइट, आप लोग अब आप लोग का गेस करने का समय है, हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग पूरा देख लो, पूरी रोड आप लोगों ने देख ली, सब कुछ आप लोगों ने देख, देखो क्योंकि हम तो भाई शूट कर रहे हैं, 10 चीज़ें हमें देखनी है फिर भूल भी जाते हैं। बंद कर दो उसको, अब लोगों ने देख लिया ध्यान से, अब भाई वहीं पर इसकी स्टार्ट हो रही है। आप लोग कमेंट करके बताओ, कोई फैन बॉय वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि पल्सर फैन बॉय आके केवल उसी की तारीफ कर रहे हैं या KTM फैन बॉय आके उसकी तारीफ, नहीं जेन्युइन चीज बताओ भाई, कंपनी पैसा नहीं दे रही है तो आप लोग बताओ। अब इसकी हाई बीम भी ऑन कर देते हैं, तो हाई बीम भी ऑन कर दी, अब देख लो आप लोग अच्छे से हैंडल भी घुमा के दिखा दे रहे हैं, तो सब कुछ दिखा दिया। अब एक बार लास्ट टाइम बस आप लोग के लिए उसको ऑन कर रहे हैं, फिर वीडियो को हम कर देंगे एंड। देखो बस उसमें भाई ये पूरा कवर कर दे रही है, थोड़ा सा एक चीज मैंने नोटिस की इसकी हल्की सी येलोविश टाइप की है, देखो कलर में चेंज है, ये देखो यहाँ पे हल्की सी येलोविश है और उसकी वहां पे देखो जो दूर जा रही हल्का सा, देखो ये देखो आप लोग हल्की सी येलोविश टाइप की है और वो थोड़ा सा वाइट टाइप का है, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा सा अलग दिख रही है। और ये है भाई ऑनर, तो बिग थैंक्स टू हिम कि इन्होंने हमें बाइक दी और इतनी बेहतरीन वीडियो हम बना पा रहे हैं। और इनके मैंने इंस्टा का तो आपको पहली वीडियो में बता रखा है, तो जाके इनको भाई इंस्टा पे अपना प्यार मोहब्बत दिखाओ। और अब कैमरे के सामने आके वीडियो को करते हैं एंड। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग खुद से डिसाइड करके बताओ कि आपको किस बाइक की हेडलाइट ज़्यादा अच्छी लगी, पल्सर N160 की या KTM ड्यूक 390 की। ऐसी ही बेहतरीन से कंपैरिजन वीडियो टाइम टू टाइम आते रहेंगे, आप लोग प्यार अगर बनाए रहोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।